स्नील। आपने ये कभी खाया है जिससे सिल्क बनती है ना, वो वाले कीड़े हैं। सिल्क के कीड़े हैं ये, इनको ऐसे फ्राई करके खाया जाता है। वेरी गुड फॉर पनीर करी, बढ़िया अड्डी बोली अड्डी बोली। यू आर टेस्टिंग चकसान ट्राइब डिश, ट्रॉटर्स एंड पोर्क हेड। पोर्क यस विद स्नेल, स्नेल इज गुड। पोर्क स्वासेस और चिकन, आपको क्या अच्छा लगता है इनमें से? शराब की बोतल में आपको मिल रही है हनी। हाउ आर यू हनी? लोकल ब्रिंजल भी है जो आप घर ले जा सकते हैं, वो भी फ्री में। अभी हम आ पहुंचे हैं फोम ट्राइब के पास। यहाँ पे ना हम टेस्ट करने वाले हैं स्नेल। स्नेल ये आपको समुद्र में देखने को मिला होगा, यहाँ पे हम खाने वाले हैं। तो वैसे आपको यहाँ पे बहुत सारी डेलिकेसी मिल सकती है यहाँ की लोकल स्नेल, और इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं बीफ एंड एनफिट, इसके अंदर भी पॉक होता है। पॉक क्या बोलते हैं? पॉक एनफिट एनफिट एंड राइस 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 एंड पॉक मिक्स होता है, राइस बियर। एंड ये भी वही सेम पॉक राइस एंड बीफ एंड पॉक पिकल पिकल्स हैं ये, और ये एक फ्रूट है, बेर टाइप है कुछ कुछ तो। और ये भी, ये सब अचार की पैकिंग है, अगर आप घर ले जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। Hi. Hi. What's your good name? My name is Nikre. And you are from? Here, Kohima. Kohima. Yeah. Okay. So you are tasting Chakasan tribe dish. What is this? This is trotters and pork head. Pork. Yes. Pork. Okay. And you? I'm having pork with snail. Snail. Yeah. Please taste this snail and tell me how is the taste of the snail. Snail is good. It's good? Yeah. And are you liking the food? Yes, it's good. You should try it too. You can see wine. ये है banana की, ये है pineapple की. Banana और pineapple wine घर ले जा सकते हैं. हम तो लेके जाएंगे 700 rupees की. एक घर जाके पियेंगे, नशे में जिम जाएंगे. यहाँ पे ये सब चीजें आप buy कर सकते हैं। चकसंग ट्राइब का यहाँ पे मोरंग बना हुआ है, यहाँ पे भी आपको खाने पीने के पोर्क बीफ ये वो सब मिलेगा, हमारे मतलब का कुछ नहीं मिलेगा। ये इनके प्राइस मेन्यू भी है, थाली बहुत सारी है, पॉक थाली 300 rupees, चिकन में भी है 300 rupees, और वेजिटेरियन में कुछ है, वेज नहीं वेज में है ये देखो है, मक्की है ये मक्की सजा हुआ है, ये खाने का नहीं है, वो भी नहीं है। व्हाट इज दिस? इनर बीफ इनर, और इसमें क्या है? इसमें है राइस एंड इन दिस बॉइलिंग वाटर आई थिंक, दाल 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 ओके पॉक ओके स्मोक पॉक। नागालैंड की किचन को भी एक बार एक्सप्लोर करना जरूर बनता है। तो यहाँ देखो ये खाना खा रही हैं प्यारी सी लड़कियाँ, इनकी ड्रेस बहुत ही प्यारी है। फ्रेश बीन्स विद स्प्रिंग अनियन एंड स्मोक पॉक। ओके स्मोक पॉक ओके हाय, दे आर फीलिंग शाय बट दे आर प्रीटी। ओके यहाँ पे खाना बनाने की प्रोसेस देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे कच्ची मतलब मिट्टी पे और लकड़ियों पे खाना बनता है, जिससे यहाँ पे स्मोकी स्मोकी फ्लेवर आता है। टंगड़ी बाप रे बाप, सो एडिबल। और देखिए इनका एक बार यहाँ पे आपको दिखाते हैं। हाय सो यहाँ पे देखिए इनके खाने में क्या क्या है, ये बीफ बीफ एंड पॉक विद राइस बीन्स। ओके तो यहाँ पे पॉक और बीफ जो है बड़े शौक से खाया जाता है। किचन देख लीजिए एक बार, पॉक अरे बाबा। I have never tried pork meat. It's strange thing for me. You wouldn't try? No. Huh? Why? What is? देखो बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं पॉक मीट की टेस्ट करो कह रहे हैं, बहुत ही फ्लेवरफुल होता है इसलिए। ये आरजू हट देखिए यार, क्या गजब तरीके से बनी हुई है। यहाँ पे बहुत तेज धूप है ना, तो उसके लिए भी यहाँ पे हट लगी हुई है। यहाँ पे अम्ब्रेला है बैठने के लिए, ताकि आपको गर्मी ना लगे ज्यादा। डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ही गजब का है, हर ट्राइब अपना रिच कल्चर, कैसे उनका लाइफ स्टाइल है, कैसे शिकार करते थे, वो सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और ऐसे यहाँ पे देखो फूड की यहाँ पे वाइड रेंज है। देखो इनका फूड सर्व करने का स्टाइल बहुत ही ऑथेंटिक है। व्हाट इज दिस लीफ? लीफ आम मैंगो
मैंगो लीफ आम ओनली ओके ये आम लीफ है इसमें खाना सर्व करते हैं देख लीजिए एक बार Oh, here are few people from Tamil Nadu. Okay, तो मुझे इनसे पूछना है कि यहाँ के खाने का टेस्ट कैसा लगा हाउ इज द टेस्ट ऑफ द फूड वेरी गुड पोर्क वेरी गुड पोर्क पनीकरी बढ़िया अड्डीबोली अड्डीबोली Enjoy. Thank you. हट अंदर से कुछ ऐसी दिखती है तो यहाँ पे बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं वेयर यू कैन हैव योर स्क्रम्पशियस फूड और देखो यहाँ पे यार क्या गजब है जरा करीब से दिखाते हैं हैव अ लुक यहाँ बहुत सारी तरीके की हड्डियाँ लगी हुई हैं अलग अलग तरह का मीट यहाँ पे ये गारो स्टॉल बनी हुई है वेयर यू कैन बाय ये क्या है ये राइस बियर और ये भी राइस बियर है पर ये वाइट है और ये ब्राउन है डिफरेंट क्वालिटी प्राइस क्या है इन बॉटल्स का 150 ये भी है राइस और ये व्हाट इज दिस ये स्टिकी राइस का बिस्किट है स्टिकी राइस का बिस्किट ओह एंड दिस पकोड़ा है पकोड़ा किस चीज का ये वेज पकोड़ा है वेज पकोड़ा एंड दिस ये है बैगन का पकोड़ा है पकोड़ा और ये क्या है ये खतरनाक चीज है ये सिल्क वर्म है सिल्क वर्म सिल्क वर्म क्या आपने ये कभी खाया है सिल्क वर्म जिससे सिल्क बनती है ना वो वाले कीड़े हैं सिल्क वर्म बहुत ही अच्छे हैं ये तो इसको कच्चा भी खाते हैं नहीं 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 इसको कच्चा नहीं खाते सिल्क के कीड़े हैं ये इनको ऐसे फ्राई करके खाया जाता है देखो जिंदा है ये जिंदा सो यहाँ पे कुछ लोकल और कुछ आसाम से भी है लोग जो यहाँ का लोकल खाना टेस्ट कर रहे हैं सो आपने क्या क्या ऑर्डर किया है स्मोक पोर्क टेस्ट एंजॉइंग व्हाट इज दिस कॉल्ड लेमन कितना बड़ा साइज है यार लेमन का यहाँ पे और क्या क्या है आपके पास बीफ मीट पिको बीफ मीट पिकल और ये बनाना बनाना चिप्स सबसे इंटरेस्टिंग अमेजिंग बात क्या है ना यहाँ पे शराब की बोतल में आपको मिल रही है हनी हाउ आर यू हनी या नाइस 1500 रुपीज की प्योर हनी तो और भी बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं पूरा कॉफी पे तो एक ये छोटा सा कैफे बना हुआ है यहाँ पे आप काफी वैरायटीज है कॉफी की जो एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ के ना आते ही ना दूर से ही खुशबू आ गई थी कि यार कॉफी पीनी है तो यहाँ पे प्राइस मेन्यू आप देख सकते हो प्राइस एंड मेन्यू क्या कुछ है पूरा कैफे पे हमने लिया है द टेस्ट ऑफ नागा बीन्स की स्पेशल कॉफी ठीक है और साथ में ये है ब्राउन चॉकलेट केक छोटी सी पफ और यहाँ के वेफर बनाना ₹10 में मिल रहे थे बड़े सेक्सी है यार एक तो है यहाँ पे स्ट्रॉबेरी और एक है चॉकलेट ठीक है तो कॉफी सबसे पहले चीयर्स ट्राइब जो है इनका फूड बन रहा है व्हाट इज दिस आम्फर्ट ओके और इधर क्या बन रहा है इधर ये चूल्हे पे सेम ओके ये देखिए ये बन रहा है
और हमने ना इनसे लिए ये फिर से आज राइस बियर, बट आज जो है ना ये गर्म है गर्म क्योंकि गर्म क्यों सर्व करते हैं वैसे? When it's warm, तो आप ठंडा देते हो बियर। अब जैसे थोड़ा सा ठंडा वेदर है, कोल्ड वेदर है, तो आप ये थोड़ी गर्म करके देते हैं। तो दोनों फॉर्मेशन में पी सकते हैं, गर्म और ठंडी। Cheers. So here we are exploring one more tribe, Himyongnyam. ठीक है, ये tribe है। तो यहाँ पे cultural dance हम explore कर रहे हैं। सबसे पहले ये देखो, ये ना bamboo में madira. ये बहुत ही experience है, unique वाला। लोकल ब्रिंजल भी हैं जो आप घर ले जा सकते हैं, वो भी फ्री में लोकल ब्रिंजल। और एक और चीज़ है यहाँ पे पोमेलो, पोमेलो जो है ये देखो यहाँ का एक लोकल फ्रूट है ये। इट्स लुक लाइक ऑरेंज भी नहीं बोल सकते, बिग साइज है, पूरा ऑरेंज भी है बिग साइज। ठीक है, ये काफ़ी खट्टा मीठा टाइप होता है, तो हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। काफ़ी रसीला है। So this is Sirina. Yeah, yeah. ये मधुमक्खी है सिरिना, जिससे हनी निकालते हैं। थोड़ा इसको करीब से दिखाना, ये काट तो नहीं लेगी? नहीं नहीं नहीं। ये देखो कैसी इसकी फॉर्मेशन है, वो इसके अंदर से हनी निकलता है। हाँ। कैसे निकालते हैं? मशीन है। मशीन से? yeah. अरे यार मैं तो पहली बार देख रही हूँ इस टाइप का, कुछ गिलगिलू सा है बहुत। ठीक है, तो इस टाइप की ये हनी आप रेडीमेड यहाँ से परचेज कर सकते हैं, 250 ml 350 rupees। तो यहाँ पे बहुत सारे काउंटर बने हुए हैं जहाँ से आप प्योर हनी खरीद सकते हैं। यहाँ पे हनी के कुछ सैंपल्स भी हैं, तो आप टेस्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेम्स हैं, आप देखिए। तो आप कौन सा टेस्ट करवाएंगे इसमें से? कोई भी एक टेस्ट करवा दीजिए। ये वाला टेस्ट कर दीजिएगा, ये खट्टा है, ये खट्टा है, खट्टा मीठा होगा, खट्टा मीठा बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, दे दीजिए थोड़ा सा, तो टेस्ट करें इसको। चलो चलो। मस्त है यार, एकदम फ्लेवर है, बहुत महंगी भी है ना, टेस्टी भी है तो महंगी भी है, तो लगभग 2200 rupees के जी। मेडिसिनल वैल्यू बहुत है, बहुत है, ये बहुत रेयर है, ज्यादा नहीं मिलता है। एक बॉक्स है, 100 ग्राम जैसा मिलेगा। ओके, 250 ग्राम 250 ml। कितने रुपए का? 560 yeah. आपको है ना जीती जाती मधुमक्खी देखने को मिलेगी, और उनके छोटे छोटे अंडे देखो कैसे मूविंग है। ये यहाँ की है ना डेलिकेसी होती है, हम अपने वहाँ पे ना गिफ्ट में फ्रूट्स मिठाई ये देते हैं, यहाँ पे ना मधुमक्खी का छत्ता जो होता है ना, ये एग्स ये दिया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है, ऐसा मैं सोच रहा था बड़ा सस्ता मिल रहा है, 200 rupees का है। ठीक है, अगर आपको ये एग्स खाने हैं ना तो मोस्ट वेलकम।